देवरिया पुलिस ने 6 अंतर्राज्यीय वाहन गैंग का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए व्यक्तियों के पास से चोरी की 2 बोलेरो, 1 मोटरसाइकिल, पिस्टल व गांजा बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश देवरिया, कुशीनगर व सिवान, बिहार में चोरी करते थे। आज कोतवाली देवरिया पुलिस और स्वाट टीम के संयुक्त अभियान में एक गैंग पकड़ा गया है। इस गैंग के सारे अपराधी सिवान के रहने वाले हैं और ये गैंग हमारे जनपद में आकर रात में सुनसान स्थानों पर खड़ी हुई बुलेरो गाड़ी, चार पहिया वाहन या पिकअप, या कहीं अगर इनको मोटरसाइकिल मिल गई, इस तरह के वाहन ये चुराते रहे हैं। और इन्होंने 15-20 वाहन चुराने का इकबाल किया है। इन्हें खुद भी यह पता नहीं है कि इन्होंने कहां कहां से चुराया है, चूँकि इनको स्थान का नाम पता नहीं है। इनके कब्जे से 2 बुलेरो, 1 पिकअप, 1 मोटरसाइकिल, 1 CMP कारतूस, 7-8 मोबाइल और गांजा बरामद हुआ है 4-5 किलो। ये सभी अभियुक्त, 5 अभियुक्त गिरफ्तार करके आज जेल भेजे जा रहे हैं। ललितपुर में लोकतांत्रिक जनसत्ता दल पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर शहर की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर परिसर में जमकर नारेबाजी की और अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर SDM अनिल कुमार मिश्रा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की समस्याओं को जन निस्तारण, बदहाल कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधार और युवाओं को बेरोजगारी के साथ 11 सूत्रीय समस्याओं का निस्तारण की मांग उठाई है। सर, ये कार्यक्रम लगभग 1 वर्ष पहले शुरू किया गया था, अब तक कितने परिवारों को जोड़ा गया और प्रदेश स्तर पर चर्चा रही? जी, प्रोजेक्ट नई किरण की शुरुआत जब मैं ललितपुर में ज्वाइन किया था तो माह दिसंबर में 2018 में शुरू किया था और दिसंबर 2019 चल रहा है और ये हर्ष का विषय है और इसमें काफ़ी हम लोग प्रसन्नता होती है कि हम लोगों ने 200 परिवार के आसपास ऐसे थे जो बिखरने के कगार पर थे, टूटने के कगार पर थे, उनको हमने अपने सदस्यों के द्वारा अपने अथक प्रयास, निस्वार्थ भावना से काम करके जोड़ने का काम किया। सर, प्रदेश स्तर तक इसकी चर्चा हुई और कई अन्य जिलों में इसी तर्ज पर शुरू करने का काम, क्या कहेंगे? जी, मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि इसकी प्रोजेक्ट नगरण की सराहना माननीय AG सर जो कानपुर जोन के हैं, माननीय DGP सर जो हमारे लखनऊ से हैं और हमारे DIG सर, काफ़ी सराहना की गई है। इसमें खास बात ये भी कि बाद में हम लोगों ने ऐसे चीज़ें भी इसमें ऐड की, समस्याएं भी ऐड की जो पिता पुत्र के बीच में थी या माता पुत्र के बीच में थी या भाइयों भाइयों के बीच में थी समस्याएं, और वो बातें बढ़ के कुछ बड़ा रूप ले सकती थी, उनको भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट नगरण के मामले से सुलझाया। तो इसका थोड़ा हम लोगों ने विस्तार भी किया और ये काम समाज के हित में है और पुलिस के हित में भी है, क्योंकि अपराध ना हो ये भी हमारा दायित्व है और घर बसे रहें ये हम लोग एक सामाजिक सोशल अपना दायित्व, उसका भी निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। जहानगंज के गांव जरारी में आयोजित 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता के अंतिम दिन से दूर दूर से आए पहलवानों ने अपने जोहर दिखाए। वहीं आपको बता दें कि इस बार महिला पहलवानों के नहाने से दर्शकों में मायूसी दिखाई दी। सुमन जी, अपने आप ये गांव का नाम क्या है? गांव का नाम जरारी है। जरारी गांव में जो दंगल हो रहा है, तो ये कितनी सालों से हो रहा है? ये करीबन 2011 से हो रहा है। अच्छा, जो आज दंगल की जो प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें जीते हुए पहलवान हैं, तो एक जीते हुए पहलवान है पंजाब पठानकोट से आए हुए हैं, दूसरे है कल्लू जो आगरा से आए हुए हैं, तो इनमें से कौन जीता? बराबर की कुश्ती हुई है, हमारी कमेटी ने यहाँ पे बराबर के दोनों को इनाम दे दिया। बराबर के, बहुत बढ़िया। हाँ, पठानकोट से जो आए हुए हैं, ये पठानकोट से आए हुए हैं, हमारे यहाँ कई साल से आ रहे हैं, तो थोड़ा आप बताएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस 2-3 साल से मैं ये एशियन कमेटी मेला देख रहा हूँ, मुझे जितने भी छोटे बड़े माँ बाप भाई जैसे हैं सब मुझे अच्छा मान सम्मान देते हैं और हर बार मुझे बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है एशियन मेला। तो ये जो आप कुश्ती जो लड़ रहे हैं, कितने सालों से लड़ रहे हैं? मुझे कुश्ती में लड़ रहा हूँ सर, मुझे हो गए 10-12 साल हो गए। तो आपके कुछ मेडल भी होंगे कहीं? जी, मेरे मेडल हैं, जो 2 मेडल हैं मेरा स्पोर्ट्स कोटे में हूँ मैं, पहले मेरी जॉब थी जानवी पुलिस में, मैंने वो जॉब छोड़ दिया, अपनी बात पुलिस में कर रहा हूँ। तो आगे क्या इरादा है, आप कहाँ तक जाएंगे? अब देखो जो भी कुछ होगा, जो ऊपर वाला जहाँ तक ले जाएगा, देखो जो भी करेगा ऊपर वाला। यहाँ पर दंगल लगा, मैंने कल भी लड़ा था, तभी जनता ने वो शांतिपूर्वक मतलब यहाँ पर दंगल देखा, निर्णय भी कल भी मतलब अच्छा हुआ था और आज भी निर्णय जनता ने यहाँ पर बढ़िया निर्णय दिया, दोनों पहलवानों को बराबर सम्मानित कर दिया। प्रशासन अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं, यहाँ जो गांव के मुखिया बोले जाते हैं, तो उन्होंने काफ़ी मशक्कत की है, भीड़ को संभाला है, तो प्रधान जी क्या थोड़ा आप बताएँ?
कोई परेशानी हुई है दंगल में? गांव का सहयोग बढ़िया रहा, गांव का सहयोग अच्छा रहा, बढ़िया। कोई किसी तरह कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं, बढ़िया सहयोग करा है, बढ़िया तरीके से कुश्ती हुई है, कोई बात नहीं हुई है जी, बढ़िया काम है। आप थोड़ा अनुरोध करेंगे कैमरा मैन से, थोड़ा कैमरा घुमाएं यहाँ, थोड़ा बता दें, बता दें, बढ़िया दंगल रहा, जनता ने बढ़िया सहयोग किया है, बढ़िया प्रतियोगिता हुई, पुलिस की तरफ से बढ़िया सहयोग किया गया, जनता सार्वजनिक व्यवस्था से एकदम फर्स्ट क्लास। जनपद खागा में एक विधवा महिला ने जिला एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं महिला का कहना है कि शाम को घर पर अकेली पाकर घात लगाए बैठे चार व्यक्तियों ने महिला को पहले धमकाया और फिर मारा पीटा, फिर उसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म किया। और वहीं आपको बता दें कि महिला को बेहोश कर वो भाग निकले वहां से। महिला को होश आने पर महिला ने बताया कि वे उन व्यक्तियों को पहचानती है और कप्तान साहब ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे साथ लाला पटेल, विकास यादव, सुरेंद्र यादव मेरे साथ बलात्कार किए हैं, माहे आलम, जफर आलम, और मुझे बुरी तरह से मारे पीटे हैं, मार के जंगल में मुझे डाल गए, जहाँ मेरा मकान बन रहा है वो जंगली है, वहाँ कुछ भी नहीं, कोई नहीं, चाहे कोई मुझे मार डाले चाहे काट डाले। कहाँ की घटना है? ये थाना सुल्तानपुर घोष है, गाँव मेरा मीरापुर है, मजरे धन का महिला जिला फतेहपुर। मेरा नाम लाला सिंह, मेरे दो बच्चे हैं, एक 16 साल का है, एक 7-8 साल का है, एक 15-13 साल की लड़की है। अब मैं 4-6 दिन हो गए ना मैं खा पाती हूँ, ना उठ पाती हूँ, ना बोल पाती हूँ, ना किसी से बात कर पाती हूँ, मेरी कोई सुनाई भी नहीं हो रही। यहाँ आई है सीओ ऑफिस, यहाँ से बोले जाइए आपका FIR लिखा जाएगा, लेकिन आज तक लिखा ही नहीं गया। पुलिस थाना कौन सा है आपका? थाना सुल्तानपुर घोष है। थाना सुल्तानपुर घोष, आप वहाँ गई थी? जी गए हैं। क्या बोला था उन्होंने? बोला चलिए देखते हैं, देखने के बाद आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो आप वो आरोपी कौन है? आरोपी लाला पटेल है, सुरेंद्र यादव, माहे आलम। ये कहाँ के रहने वाले हैं? दो तो लाला पटेल और सुरेंद्र यादव खागा के रहने वाले हैं। दो को वो वहाँ के रहने वाले हैं, अफोई के। अच्छा, उनके सीमेंट सरिया की दुकान है, उसका फोटो भी हम मिला है। जब वो चले गए हैं, जब हम होश में आए तो हमें फोटो मिला, हम फोटो थाने में दिए हैं। तो ये चोट कैसे लगी आपको? ये चोट उन्हीं ने मारा हमको। और हाथ, हाथ में क्या है? हाथ मेरा टूटा हुआ है। अच्छा, ये टूटा हुआ हाथ है? हाँ, फ्रैक्चर है। किसने तोड़ा? उन्होंने ही तोड़ा ये भी? लाला पटेल ने मेरे ऊपर बार बार चढ़ के बलात्कार कर रहा था, सुरेंद्र यादव। अच्छा, हाँ, दोनों कहे, पहले तो कह रहे मार के डाल दो, लेकिन दो जोर और थे, वो कह रहे नहीं ऐसा मत करिए, अब छोड़ दो इसको इसी हाल में। फिर आप कहाँ आई हैं यहाँ? यहाँ मैं आई सीओ ऑफिस। सीओ ऑफिस, और कप्तान साहब क्या आई थी? जी, कप्तान साहब के। तो क्या कहा उन्होंने? कहा जाइए थाने पे, तुम्हारी FIR लिखी जाएगी। अच्छा जी, उन्होंने ऐसा कहा कि आपकी FIR लिखी जाएगी? लिखी जाएगी, आप जाइए थाने पे। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव बिरालसी में एक शादी का प्रोग्राम धूमधाम से चल रहा था। वहीं एक पड़ोसी को न्योताना देने पर डीजे पर आकर उसने छेड़छाड़ शुरू कर दी और विरोध करने पर युवक ने लाठी डंडे और हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें बाप बेटे बेहोश होकर गिर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को चरथावल CHC में भर्ती कराया। जी, इतनी धूमधाम से आप शादी कर रहे थे, क्या हुआ इसमें? वो चले जा रहे थे, डीजे बन गया था। अच्छा, वो चले जा रहे थे, उसका भाई था गोरव। अच्छा, और उसने जैसे कि डीजे बज रहा था उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई आपके साथ? नहीं, नहीं, नहीं। किसी आदमी ने करी? ना, नहीं। तो क्या हुआ आपके साथ? हम चले जा रहे थे रस्ते में जी। अच्छा, उसका भाई था गोरव। अच्छा, उसने मतलब गाड़ी को पड़ करी, तो गोरव ने आपके साथ में गाड़ी का लोच करी? हाँ जी, मैं कहा भाई गाड़ी को करवा तू? अच्छा, कहने लगा हुआ कर दूंगा, फिर जाना जाया कर कल गो। वहाँ से एक ने पकड़ा, उसने राजन ने पकड़ा। अच्छा, और उन्हें दूसरे वाले ने भी पकड़ा। अच्छा, और गौरव ने, और उसने जाना बटवा ली। जैसे कि डीजे बज रहा था धूमधाम से आप शादी कर रहे थे, डीजे बजते बजते गौरव ने क्या कहा आपको? नहीं, कुछ नहीं कहा जी। अच्छा, हाँ, सब आदमी बात है। तो फिर क्या मैटर हुआ आपके साथ? ये मैटर हुआ, गाड़ी गुड़ी दे रहा था कि ये मतलब बात थी। अच्छा, आपने उन्हें नोटा नहीं दिया? हाँ जी। तो इस वजह से आपके साथ में उन्होंने झगड़ा किया? हाँ जी, आपके साथ। हाँ जी। और जी, फिर जो है ना, आपको पूछे थे, फिर एक दोनों पकड़ा, मैं दोनों पकड़ा।
और एक में उसका तलवार का पट मारा जी। तलवार किस आदमी ने मारी आपने? रवि ने। आपने उन्हें नोकता नहीं थे इस वजह से आपके साथ में झगड़ा किया उन्होंने? हाँ जी। कौन आदमी थे? जिहोरी थे जी। अच्छा, वो कौन बात उसका नाम? क्या नाम था उनका? एक का नाम तो था जी और राजन और जी का वगैरह। अच्छा, तो इसके बाद जैसे कि उन्होंने आपके साथ छेड़खानी की, आपने पुलिस को सूचना नहीं दी? हाँ जी कर दी। तो पुलिस क्या कार्रवाई करती है आप? अभी तक कुछ नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? नहीं।